गजोदर, प्रणाम मालिक। खेती बाड़ी कैसे चल रहा है? मालिक खेती कहाँ चल रहा है, खेती तो यहीं पर है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि अगर खेती बाड़ी करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना आ रहा है? नहीं मालिक, भगवान और आपके दुआ से खेती बाड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आएगा तो हमको बताना। जी मालिक जी। अगर किसान उपजाएगा नहीं तो खाएगा क्या? साला किसान उपजाएगा तो किसान नहीं खाएगा, साला तू सब खा जाएगा। तू सब इंसान के रूप में राक्षस है, राक्षस। तो गजोधर ने ऐसा क्यों बोला, चलिए देखते हैं आगे। सावधान सावधान, ससुरारपुर के मुखिया सरपंच जी पधार रहे हैं। यहाँ पे पंचायत क्यों रखी गई है? अरे साला तुमको पता नहीं कि पंचायत के बीच में पादना कानूनी अपराध है? साला बुक्का, तुम्हारे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है? मुखिया जी, बाथरूम तो दिए लैट्रिन करने के लिए, बदमाश करने के लिए कहाँ कुछ दिए? अरे ठीक है, हम तुमको पालने के लिए पन्नी दे देंगे, लेकिन पहले ये बताओ यहाँ पे पंचायत क्यों रखा गया? मुखिया जी, लोटनवा के बेटा पोटनवा, हमारा बेटी को आई लव यू कह रहा था। क्या लोटनवा, ये बात सही है? अरे मुखिया जी, हमसे क्या पूछ रहे, हमारे बेटा से पूछे ना, हम थोड़े इतना छेड़े हैं। क्या रे लोटनवा का बेटा पोटनवा, ये बात सही है? मुखिया जी, क्या सबूत है कि मैंने इसकी बेटी को आई लव यू बोला है? है कोई सबूत? क्या गजोधर, है कोई सबूत तेरे पास? मुखिया जी, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन वो लड़का देखा है मेरी बेटी को प्रपोज करते हुए, पूछिए उससे। अरे बाबू, जो देखा है वो सच सच और सही सही बता। मालिक जी, हम तो रास्ता में साइकिल से जा रहे थे, लड़की को नहीं देखे, लेकिन इसके लड़का को देखे। अरे साला, गजोधर की बेटी लोटनवा के बेटा के साथ क्या कर रहा है? अभी जा रहे पूरे गांव वाला को बताने। तो वहां पे जो भी देखा है सुना है, किसी को पता नहीं चलना चले, पैसा रखो, अपना मुंह बंद ही रखना। ए मुखिया जी, ये बात से मुकर रहा है, कहिए इसको जो सही सही देखा वही बताए। मुखिया जी, जो देखे और जो बोले वही सच है। हाँ तो गजोधर, क्या तुम अपनी बेटी को पंचायत में बुला सकते हो? मुखिया जी, मेरे घर की औरत पंचायत में नहीं आती है। हाँ तो गजोधर, अगर नहीं आ सकती है तो पंचायत को यहीं पे समाप्त करते हैं। अरे मुखिया जी, इसमें करना क्या है, तो पंचायत को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट मुखिया जी। मुखिया जी, अगर आपकी बेटी होती यहाँ पर तो ऐसे ही पंचायत छोड़ के चले जाते। अरे कैसी बात कर रहा है, हमारी बेटी सुंदर सुशील और संस्कारी है, हमारी बेटी में नहीं पढ़ती। मेरी बेटी सिर्फ कॉलेज जाती है और कॉलेज से घर आती है, तो आज का पंचायत यहीं से खत्म होता है। चलिए मुखिया जी, जब आप पे पड़ेगा ना तब पता चलेगा। साला दो दिन ससुराल क्या चलेगा कि साला घर में चोरी हो। अरे साला, झूठा इल्जाम काहे लगा रहा हमरा पे? आ जाओ ना रे, तुमको देखिए लेते हैं, आज आर या पार हो ये जाएगा। आओ रे, देख लेते हैं, आ जाओ। रे रे, किसके तरफ से है? किसी की तरफ से नहीं। इसके तरफ से है? नहीं। मेरे तरफ से है? नहीं। झगड़ा रुकना। अरे 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 अरे, काहे लड़ाई कर रहा? अरे यहाँ पे क्या चीज का झगड़ा चल रहा है? मुखिया जी, इसे घर में चोरी करता कोई और, नाम आता है हमारा, नहीं रहेंगे इस गांव में। अरे रुको रुको रुको। अरे जब घर में चोरी हुआ है तो पंचायती बैठाओ, हम लोग का है, झगड़ा लड़ाई करने से कुछ होगा, बता। अरे मुखिया जी, हम तो पंचायत बैठा दे, लेकिन चोरी हुआ सामान मिल जाएगा क्या? अरे कोई बात नहीं, आज के बाद गाँव में चोरी नहीं होगी, समझ गया तुम लोग? मुखिया जी, इसका मतलब गाँव में आप ही चोरी करवाते हैं? अरे पागल, कैसी बात कर रहा है, मुखिया का काम होता है गाँव में देना, ना कि चोरी करवा कर लेना, समझा? आज से तुम दोनों मिल बांट के रहो, हम चल रहे हैं, बहुत काम है, चलो चलो मिल बांट के रहना, देख लेंगे तुमको। Thank you.
जी मालिक। अरे 3 लाख वाला फंड में से कितना कमीशन मारा है? मालिक 2 लाख रुपया कमीशन मारे, 1 लाख रुपया फंड में दे दिए हैं। चलो ठीक है, जाओ तुम चाय लेके आओ। साला पूरा पैसा फंड में के खा जाएंगे और उसी पैसा से घर बनाएंगे और नया नया गाड़ी लेंगे। अरे बाबू, तुम अपने पापा से हमारी शादी के लिए कब बात करोगे? बाबू समय होगा ना, तुम पापा से बात कर लेंगे। ये साला, ये तो मुखिया जी की बेटी लग रहा है रे। अरे लौंडा क्या है साला, हम इसको पहचानवे नहीं करते हैं। अब मुखिया जी हो, मुखिया जी हो, मुखिया जी दौड़ा हो। कौन कौन हुआ? आहो चाचा देखिए ना, वो लड़का लड़की क्या कर रहा है। अरे जो करता है उसको छोड़ो, चलो पकड़ते हैं। चलो तू भाग के कहाँ जाएगा? भाग के जाएगा तू? हट जाओ भैया, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए चाचा जी, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए चाचा जी, चाचा जी छोड़ दीजिए ना। अरे भतीजा, ये लड़का और लड़की कौन है? अरे चाचा, ये लड़की तो मुखिया जी की बेटी है। मुखिया जी की बेटी? हाँ, आप फंसा जाल में, बुलाओ मुखिया जी को। रुकिए, मुखिया जी चाय? शक्कर ज्यादा नहीं डाला? नहीं मुखिया जी। हाँ हेलो मुखिया जी, जल्दी आइए बगीचा में, आपके पंचायत में कांड हो गया है। ठीक है ठीक है, हमारे साला क्या सब हो जाता। साला पता नहीं हमारा गांव है या क्या है, साला आए दिन हर दिन कांड होते रहता है, फिर एक नया कांड हो गया बगीचा में। अरे बाबू, कौन सा कांड हो गया है यहाँ पर? अब मुखिया जी, आप तो कह रहे थे मेरी बेटी सुंदर सुशील और संस्कारी है, कहाँ गया वो संस्कार? कौन है रे? अरे बेटी तू? पापा गांव वाले लोग ने मिल के बांध दिया, पता नहीं क्यों। पापा इस लड़का को हम नहीं जानते हैं। बाबू चुप हो ना। देखिए हमारी बेटी ने जो किया है वो बहुत शर्मसार है, हमारी नाक कटा दिया ये बेहूती। आप ही लोग बताइए हम क्या फैसला करें यहाँ पे। मुखिया जी, हमारे हिसाब से दोनों को पेड़ में बहान के लटका के खूब पीटते हैं। अरे मुखिया जी, हम तो कहते हैं कि जैसा काम वैसा इनाम, इन दोनों को ना शादी करवा देते हैं। ठीक है गजोदर, हम इन दोनों की शादी के बारे में सोचेंगे, अभी हम इसको घर ले जा रहे हैं, वादा है कि हम शादी करवाएंगे। चलो यही होता है मुखिया जी का पावर, अपनी बेटी थी ना तो अपनी बेटी को घर ले गई, और मेरी बेटी को बोल रहे थे पंचायत में आने के लिए।